अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अंसार कूलिंग पॉइंट। दोस्तों आज हम बात करते हैं सैमसंग टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आने वाले 1E एरर कोड की। दोस्तों ये क्यों और किस स्थिति में 1E आता है और हमारी मशीन में क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे आइडेंटिफाई करें 1E एरर को, चलिए दोस्तों हम बात करते हैं आगे 1E एरर कोड की। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर प्रेस करें। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है इसको लाइक करें और अपने दोस्तों साथ शेयर करें। अब बढ़ते हैं हम आगे वीडियो की तरफ। मशीन को हम ऑन करते हैं, ऑन करने बाद वॉश मोड पर सिलेक्ट करके इसको स्टार्ट करेंगे और देखिए कुछ ही सेकेंड बाद इसमें डिस्प्ले पर एरर शो करेगा। देखिए 1E एरर आ गया है और मशीन हमारी कोई भी मूवमेंट नहीं करेगी 1E एरर जब तक रहेगा। चलिए अब हम आपको स्पिन पे इसको चला के दिखाते हैं, फिर स्टार्ट कर मशीन को ऑफ करके स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद इसको स्पिन मोड पे लगाते हैं, फिर इसको स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों देखिए अब स्टार्ट करने के बाद फिर देखिए फिर ये 1E एरर आ गया। अब दोस्तों हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि ये 1E एरर क्यों आ रहा है। और देखिए कोई भी फंक्शन 1E आने पर काम नहीं करेगा सिवाय ऑन ऑफ के। मशीन को हमने ऑफ कर दिया, प्लग निकाल देते हैं। अब चलते हैं मशीन के बैक साइड। ठीक है दोस्तों, बैक साइड का इसका पैनल है, बैक साइड का पैनल है। इस पैनल रिमूव करने के लिए दो स्क्रू लगे रहते हैं, इसको हमने पहले से रिमूव कर दिया है। दोस्तों पहला स्क्रू यहाँ पर रहता है, हमें रिमूव करना रहेगा, दूसरा ये रहता है स्क्रू। ये दोनों स्क्रू को रिमूव करने के बाद हम पैनल को आसानी से ऊपर की तरफ उठा के निकाल लेंगे, निकल आएगा। दोस्तों हमने आपको 1E एरर दिखाने के लिए प्रेशर स्विच का जैक पहले से ही निकाल दिया था। आप ये तो समझ ही गए होंगे 1E एरर प्रेशर स्विच का होता है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि किस किस कंडीशन में 1E एरर आता है। प्रेशर स्विच की जिसमें हमारा जैक लगता है उन पिनों में कभी कभी कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर स्विच को वोल्ट नहीं मिल पाता और डिस्प्ले पर 1E एरर शो कर देता है। इस कंडीशन में प्रेशर स्विच ओके है तब हमें प्रेशर स्विच पे लगे जैक के वोल्टेज को चेक करना रहेगा। अगर वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रहे हैं या वोल्टेज बिल्कुल नहीं आ रहे हैं तो हमें जैक के वायर्स को चेक करना रहेगा, कहीं बीच से वायर तो ब्रेक नहीं है। अगर वायर ब्रेक नहीं है और वायर ब्रेक नहीं है तब भी वोल्टेज नहीं आ रहे तो हमें सर्किट को चेक करना रहेगा। और अगर सर्किट ओके है तब प्रेशर स्विच के पाइप को चेक करेंगे। प्रेशर स्विच पाइप को चेक करने के लिए पहले हम प्रेशर स्विच को आराम से रिमूव कर लेंगे, उसके बाद मशीन के बैक कवर को रिमूव करेंगे। बैक कवर को रिमूव करने के लिए इसमें चार स्क्रू लगे रहते हैं, हम जो हम पहले से रिमूव कर चुके हैं। देखिए हम वीडियो में आपको बता रहे हैं कहाँ कहाँ पे स्क्रू लगे रहते हैं। ये चार स्क्रू इसके रिमूव कर लेंगे, उसके बाद आसानी से बैक कवर को बाहर की तरफ खींच के निकाल लेंगे। बैक कवर निकाल के साइड में रख देंगे, उसके बाद ये प्रेशर स्विच का रबर है इसको हम देख लेंगे, निकाल लेंगे। क्लिप की इसको पुश करके बाहर की तरफ निकाल लेंगे, उसके बाद रबर को मशीन से बाहर निकालने के बाद हम रबर को ठीक तरह से चेक करें कहीं से रबर डैमेज तो नहीं है या कटा तो नहीं है, कहीं से इसमें एयर तो नहीं पास हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है मशीन की रबर ख़राब होने की वजह से, डैमेज होने की वजह से वन प्रेशर स्विच को प्रेशर नहीं मिल पाता और 1E एरर शो करता है। और अगर इस कंडीशन में भी हमारा प्रेशर स्विच सही है तब हम अपने प्रेशर स्विच को चेंज कर देंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रेशर स्विच के रबर पाइप को उसकी जगह पे लगा देंगे। लगाने के बाद दोस्तों फिर हम मशीन को चेक करते हैं कि हमारी मशीन ओके हुई या नहीं। चलिए हम पहले प्लग को लगाते हैं। प्लग को लगाने के बाद हम मशीन को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हम मशीन
को वॉश मोड पर सिलेक्ट करेंगे। वॉश मोड पर सिलेक्ट करने के बाद ऑन कर स्टार्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों, अभी हमारा जो मशीन का पल्सेटर है वो राउंड अप करने लगेगा। देखिए हमारे मशीन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हम अब इसकी स्पिन को भी चेक करते हैं। ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद फिर हम इसको स्पिन मोड पे लगाते हैं। स्पिन मोड पे लगाने के बाद मशीन को स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं हमारा 6 मिनट की टाइमिंग पर यूई एरर आता है या हमारी मशीन स्टार्ट होती है। तो दोस्तों देखिए, हमारा ये 6 मिनट की टाइमिंग आ गई है और ये हमारा ड्रम स्टार्ट हो गया है। ये देखिए ड्रम हमारा धीरे धीरे स्पीड को पकड़ रहा है। और ये देखिए दोस्तों, अब कोई भी एरर डिस्प्ले पर नहीं शो कर रहा है। हमारा जो ड्रम है अभी धीरे धीरे स्पीड को पकड़ेगा। 6 मिनट की टाइमिंग के बाद जब ये 5 मिनट का टाइमर रह जाएगा तब ये ड्रम फुल स्पीड पकड़ लेगा। हमारी मशीन में आने वाला एरर सॉल्व हो गया है। अब हम मशीन को कंप्लीट पैक कर देंगे। पहले हम मशीन को ऑफ कर देंगे। पेज लगाओ, पहले बैक को लगा दो। ऑफ करने के बाद हम फिर जिस तरह से मशीन के बैक कवर को रिमूव किया था उसी तरह हम आसानी से मशीन के बैक कवर को लगा देंगे। मशीन का बैक कवर लग गया दोस्तों। अब बैक कवर लगाने के बाद हम मशीन के जितने भी स्क्रू रिमूव करते हैं वो सभी स्क्रू हम लगा देंगे। और स्क्रू लगाने के बाद मशीन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद हम एक बार मशीन को चलाकर फिर से टेस्ट करेंगे।